हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैशन हॉलिक। तो आज हम सीखेंगे धोती शलवार की कटिंग और स्टिचिंग, और ये जो पेपलम कुर्ती है इसका भी वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा मेजरमेंट। कुल लंबाई है हमारी शलवार की 38 इंच, जिसमें हमारी बेल्ट की लंबाई है 6 इंच, बेल्ट की चौड़ाई है हमारी 25 इंच। तो हम धोती की लंबाई लेंगे, जो हमारी कुल लंबाई है 38, उसमें से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारी 32 इंच आ जाएगी। और जो बॉटम यानी कि जो पाएचा है शलवार का, वो है हमारा 6 इंच। शलवार बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है। सबसे पहले हमें अपने कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में बिछा लेना है, जैसे मैंने बिछाया है, देखिए ऐसे। ध्यान रहे कि इसमें सिलवटें ना हों। देखिए मैंने इसे डबल फोल्ड में बिछाया है। अब एक साइड से मैं इसका कोना पकड़कर इसको तिकोना शेप में बिछा लूँगी। अच्छे से हमें बिछाना है ताकि कोई भी सिलवटें ना रहें, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको कटिंग करके निकाल दूँगी। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो धोती की लंबाई है हमारी वो आई थी 32 इंच, बट मैं यहाँ पे 33 ले रही हूँ, 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए प्लस किया है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम काटेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारी धोती शलवार है वो थोड़ी खिंचती है पहनने के बाद, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा है। अब लंबाई के निशान के बाद हम इसका आसन का निशान लगाएंगे। तो जो आसन है हमारा वो 9 इंच का है, बट मैं यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ, 1/2 इंच मैंने मार्जिन के लिए प्लस किया है। तो मैं 9.5 पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। और अब हम ये 1.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर साइड भी हम 1.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसे डार्क कर देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच निशान लगाकर इसको गोलाई शेप दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम जो हमारा पायचा है 6 इंच का, हम उस पर एक नोचेज लगा देंगे ताकि हमें पता चले कहाँ तक हमें पायचा खोलना है। अब आसन के अपोजिट साइड हम इस साइड पे हमें गोलाई देनी है। इसके लिए किसी मार्क की ज़रूरत नहीं है, किसी मेजर की, हमें सिर्फ हल्की सी गोलाई देनी है। यहाँ पर देखिए ऐसे जैसे मैं दे रही हूँ, बस। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जो बेल्ट की लंबाई है हमारी वो है 6 इंच, बट हम इसको 2 इंच मैंने इसमें नेफे और मार्जिन के लिए प्लस किया है। पहले मैंने इसे डबल फोल्ड में बिछाया है और अब मैं इसकी लंबाई का निशान लगा रही हूँ, और इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाते हुए, इन दोनों निशानों को मिला देना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी जो हमारी चौड़ाई थी बेल्ट की वो थी 25, बट इसमें 21 आ रही है, तो जो हम 4 इंच का है वो हम जोड़ लगाएंगे। तो मैं इस पे जोड़ लगाऊंगी। अब मैंने कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर ऐसे रखा है, और अब मैं इसकी लेंथ का निशान लगाऊंगी। ये मैं 8 इंच पर निशान लगाकर इसको मिलाते हुए हमने ऐसे निशान लगाने हैं, और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम टोटल लेंथ नापेंगे, हमें 25 चाहिए, बट मैंने यहाँ पे 26 ली। इसके पार्ट 2 में हम इसे सिलने का तरीका सीखेंगे।